नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला डॉक्टर नितीश कौरा। मैं डॉक्टर नितीश कौरा, हेल्थ फॉर यू क्लिनिक में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियदर्शनी। I am Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. Dr. Nilesh Patil, जो कि General Laparoscopic Surgeon. मैं Dr. Nilesh Patil, General Laparoscopic Surgeon, and for you मैं कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर surgery related सारी बीमारियों का इलाज होता है। Laboratory facilities, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक क्या करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं, और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। नमस्कार, मैं असलम न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में हूँ। यहाँ पे आज वित्तीय एनजीओ द्वारा जो है हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के जितने भी स्टाफ हैं जो यहाँ पे काम करते हैं उन सभी के लिए, खास करके जो यहाँ के सफाई मित्र हैं उन सभी के लिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ इस हेल्थ कैंप की तरफ, दिखाते हैं आपको पूरा कवरेज। सभी का स्वागत करता हूँ स्वच्छता ही सेवा अभियान के इस कार्यक्रम में। आप जानते हैं कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, और इस पावन अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का जो बीड़ा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है वो आगे भी चलता रहे, इसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे जो सफाई मित्र हैं ये तो दिन रात काम करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद के जो भी हमारे सफाई मित्र हैं किस तरह दिन रात काम करते हैं, रात को 11 बजे 12 बजे सुबह का 5 बजे 6 बजे ये अपना मेहनत अपना काम करते रहते हैं हमारे शहर को स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। लेकिन ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें जो है स्वच्छता को अपनाना चाहिए, एक आदत डालनी चाहिए कि हम कूड़ा कचरा ना फेंके, तभी एक बहुत ही बड़ा सहयोग मिलेगा शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में आप जानते हैं कि हम सफाई मित्रों के सहयोग से जो है आज हम एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। तो मैं अपने जो सफाई मित्र हैं सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं। आपने हमें बहुत सहयोग दिया और उम्मीद करते हैं आगे भी सहयोग देते रहेंगे। इस सहयोग के लिए वार्ड नंबर 7 की पार्षद अमर देवी और सामाजिक कार्यकर्ता आर के राज, इसके साथ साथ आज जो शिविर हम आयोजित कर रहे हैं वो हमारी जो ये पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे साथ में गैर सरकारी संगठन विद्यु जुड़ा नहीं होता, और विद्यु के साथ डॉक्टर मनीष और उनकी टीम नहीं जुड़े होते। तो मैं विद्यु की अध्यक्षा मरियम बीबी और उनके तमाम जो साथी हैं उनका, डॉक्टर मनीष और उनकी पूरी टीम का भी हमारे इस स्वास्थ्य शिविर में मैं बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप इस स्वास्थ्य शिविर का अवश्य ही लाभ उठाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता ही सेवा 2024 और साथ ही आज का जो दिन है स्वच्छ भारत दिवस, तो ये स्वच्छ भारत दिवस जो भी हम आज मना रहे हैं गांधी जयंती के दिन, ये बहुत ही खास रखता है हम सब के लिए। और हमें हर्ष होता है कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। पिछले 17 तारीख से लेकर कल तक आकाशवाणी पोर्टल में भी हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, उसके बाद उसके अलावा आकाशवाणी विजयपुरम की जो साफ सफाई थी वो हुआ, बाहर के जो हमारा जो एरिया है वहाँ की सफाई हुई, ट्रांसमीटर में सफाई हुई, और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हुई। स्वच्छता ही सेवा अभियान को भी हमने महत्व दिया पूरे देश के साथ साथ, और आज 2 अक्टूबर का दिन आया है और स्वच्छता जो दिवस है आज तो उसको हम मनाने के लिए यहाँ पर जो हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी
हमारे जो जिला परिषद सदस्य व पूर्व अध्यक्ष मरियम बीबी जी को कि यहाँ पर आए और दो शब्द कहे। मैं इस अवसर पर बधाई देती हूँ कि आज गांधी जयंती का जो वीक लॉन्ग प्रोग्राम हमारे यहाँ पे चल रहा है उसमें मुझे खुशी हुआ कि आज एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है आकाशवाणी श्री विजयपुरम के अंदर। बहुत अच्छे अच्छे संदेश आपके द्वारा लोगों तक, जो गांव के लोग हैं, जो एक विलेज में रहता है वहां तक आपका संदेश पहुंचता है आपके माध्यम से। तो आकाशवाणी को इस अवसर पर बहुत आपको जोरदार ताली देके उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। टीम इनका बहुत अच्छा है जो हमेशा कोई भी कोरोना में टाइम बोलिए, सुनामी के टाइम बोलिए, हमेशा जो है लोगों तक टाइमली इमीडिएटली जो है लोगों को संदेश पहुंचा रही, कभी कोई कमी पेशी नहीं रखी है। जिंदगी जीने के लिए हमें सबसे आज समझ आता है, कुछ होने करने के बाद इतना दिन नहीं समझ आता सब। अगर हम फिट है उनको कहाँ से, हर चीज हमारा अगल बगल सफाई वहीं से आता है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो ये स्वच्छ हमको अपनाना है सब जगह। बस मैं आपसे यही एक अपील करना चाहता हूँ, हमारे सब बस थोड़ा उनका भी हम लोग सहयोग करें। जैसे कि यहाँ पर जो शिविर लगा है हेल्थ कैंप का, तो हमारी जो डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ से मैं पूरी टीम की तरफ से मैं डॉक्टर मनीश को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी कि वो आकर दोषी। प्लानिंग फॉर कैंप में लुक कर योर बेसिक vitals, basic health checkup. So let's get the date begin. Okay. Thank you, Dr. Sir. ये जो शिविर है हमारे सफाई मित्रों के लिए है, तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारे सफाई मित्र भी दो शब्द कहें। हम लोगों का ये कोशिश रहता है कि जो हमें जो ड्यूटी मिलता है वो हम अपना ड्यूटी पूरे निष्भाव से कर पाए। और हमें बहुत छोटा सच में भूल देते हैं कि अगर बाहर स्वच्छ है तो अंदर भी स्वच्छ है। इतनी खुशी की बात है कि आप सभी आए और इतना बड़ा एक पैमाने पर हमारे यहाँ इस आकाशवाणी विजयपुर का जो ये चौरा से हमारा धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसमें एक स्वच्छता हेल्थ कैंप हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो एसोसिएट जो हमें करे हैं, जो हमारे साथ जो जुड़े हैं वो एनजीओ विद्यु, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतना कोऑपरेट करा और हमारा सहयोग दिया। और साथ ही हमारे जो वार्ड नंबर 7 की जो काउंसिलर है अमर देवी जी और राज जी, उनके साथ जो कार्यकर्ता है, उन्होंने भी हमारा बहुत बहुत साथ दिया। ये एक शुरुआत है जो हमने शुरू किया है और हम चाहेंगे कि इसका जो सब मतलब जो बेनिफिट्स हैं सबको मिले। जितने भी मीडिया आए हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो टेक्निकल साइड है, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमारे सफाई मंत्री का तो हम धन्यवाद करते ही हैं। और जो हमारे जो मनीष डॉक्टर मनीष शामला, उसके जो क्लिनिक के जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं, जो लगातार में आके हमारे लिए ये हेल्थ कैंप के लिए वो आए। तो सभी लोग जो इस अभियान से जुड़े हैं हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम यही चाहेंगे कि ये अभियान ऐसा ही चलता रहे। थैंक यू। तो आप सभी का आकाशवाणी श्री विजयपुरम स्वागत के साथ धन्यवाद करते हुए अब हेल्थ कैंप होगा हमारे, सबसे पहले हमारे जो सफाई मित्र हैं उनके लिए, और आप सभी भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो कृपया आप सभी इसमें सम्मिलित हो। तो एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।